हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त पटना में हूं और मैं आया हूं एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग मेरे पीछे देखकर अनुमान लगा लिए होंगे कि मैं अभी कहां पे हूं, और जितने लोगों ने अनुमान नहीं लगाया मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस वक्त पटना के आन वान शान कहे जाने वाले मोइनुल हक स्टेडियम में हूँ, और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस वक्त का क्या हालत है मोइनुल हक स्टेडियम का। इस क्योंकि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि जो समझते हैं कि बिहार बहुत तरक्की किया है, बट अगर मैं इस चीज़ को दिखाऊँगा, स्टेडियम को दिखाऊँगा, तो लोगों को लगेगा कि बिहार अभी पीछे है या आगे है खेल के जगत में। मैं और के बारे में तो नहीं बोलूँगा, बट मैं बिहार खेल के जगत में आगे है या पीछे वो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, और आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि क्या बिहार आगे है या पीछे। तो चलिए मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे तो मेन गेट से मुझे आने के लिए नहीं दिया जा रहा था इस मोइनुल हक स्टेडियम में, लेकिन मैंने बहुत मिन्नतें की तो आगे के रास्ते से तो नहीं, लेकिन बट पीछे के रास्ते से एक साइड का रास्ता है, उस रास्ते से मैं आया हूँ, और आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। स्पेशली खेल जगत में बड़े बड़े पोस्ट पर है उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और आप लोग देखें इस वीडियो को और आप लोग बताएं कि क्या इस हालत में बिहार के जितने भी प्लेयर्स हैं क्या IPL तक पहुँच पाएंगे। मैं इस स्टेडियम का आप लोगों को हालत दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आप लोगों को बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ स्टेडियम का हालात, और ये भी बताएंगे कि क्या यहाँ वाकई इंटरनेशनल मैचेस हुआ था। तो चलिए देखते हैं। Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये है पटना मोइनुल हक स्टेडियम का नज़ारा, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति में अभी दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसा तो कब से हालत है, लेकिन इस वक्त कुछ बढ़िया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वैसा का वैसा ही है, ये पहले का यहाँ पर झाड़ियाँ हुआ करता था, बट अब ये यहाँ पर काट दिया गया है, कुछ बेहतर हुआ है। और मैं स्टेडियम का अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट स्टेडियम का, तो आप लोग देख सकते हैं स्टेडियम का भी कुछ हद तक ठीक हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है पिच विच का, यहाँ पर जो घास वास था काफ़ी बड़ा बड़ा घास हो चुका था, कमर तक का घास हो चुका था, तो वो काट दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अब अच्छा बना दिया गया है। लेकिन मैं स्टेडियम के अगर बाहर का दिखाता हूँ, क्या जहाँ दर्शक लोग बैठ सकते हैं, तो इस वक्त देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर कपड़ा वपड़ा पसरा हुआ, यहाँ पर गंदगी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति में है। स्टेडियम का बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग देख सकते हैं। और मैं ये भी दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ के जो पवेलियन का जो नज़ारा है वो कैसा है। तो मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं, यही है पवेलियन का नज़ारा जो मोइनुल हक स्टेडियम का है। और मैं अगर इधर करता हूँ तो इधर भी सेम टू सेम इधर जर्जर स्थिति में है मोइनुल हक स्टेडियम। और ये देख सकते हैं ये है स्कोरिंग पॉइंट टेबल का, और ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है,
यो स्कोरिंग यहाँ पर लगाया जाता है और ये साइड स्क्रीन है और ये देख सकते हैं आप लोग, स्थिति कुछ ठीक नहीं है इस मोलिहक स्टेडियम का। और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर भी सेम कंडीशन है, इधर भी पूरा कचरा उचरा फैला हुआ है। और मैं इधर दिखाना चाहता हूँ और इधर भी देख सकते हैं, ये भी पूरा पवेलियन जहाँ दर्शक जहाँ बैठेंगे वहाँ का ये नज़ारा है, देख सकते हैं पूरा गंदगी से भरा हुआ ये मोलिहक स्टेडियम, सकते हैं आप लोग। मैं अंदर तो जाने का अनुमति नहीं दिया गया, लेकिन मैं अंदर जा के भी दिखाता है, लेकिन अंदर जाने का अनुमति नहीं दिया गया, लेकिन मैं बाहर से आप लोग देख सकते हैं कि किस स्थिति में है अभी इस वक्त मोलिहक स्टेडियम। कुछ पहले से ठीक हुआ है बट अभी भी उसी तरीके का जर्जर स्थिति में है मोलिहक स्टेडियम। यहाँ यूथ के लिए, जो हमारे नए नए क्रिकेटर्स जो बच्चे लोग खेल रहे हैं उनके लिए, ये भविष्य के लिए काफ़ी सर दर्द दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जर्जर स्थिति में, काफ़ी बेकार स्थिति में है। यहाँ स्टेडियम के बाहर का नज़ारा है, स्टेडियम के जो बैठने का पवेलियन का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, लोग दर्शक लोग जहाँ बैठते हैं वो वहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। काफ़ी स्थिति ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग इस स्टेडियम का नज़ारा। यहाँ पे कचरा वचरा फैला हुआ है, कपड़ा वपड़ा पसरा हुआ है बैठने के जगह पर, ये दर्शक लोग बैठते हैं वहाँ का हालत है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये है मोलिहक स्टेडियम का अंदर का नज़ारा, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर देख लीजिए घास फूस यहाँ पर उगा हुआ है, काफ़ी लंबा लंबा घास फूस, ऐसे स्टेडियम में तो रहना नहीं चाहिए सब, ये साफ़ सुथरा रहना चाहिए। लेकिन आप लोग इस बिहार का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बिहार मोलिहक स्टेडियम का, यहाँ पर लंबा लंबा घास। और वो देखिए, मैं अगर दिखाना चाहता हूँ, वो जो ग्रिल टाइप का लगा हुआ है उस पर भी घास वास उगा हुआ है, लोग देख सकते हैं। और ये पवेलियन का नज़ारा है, यहाँ पे दर्शक लोग बैठते हैं। और ये देखिए यहाँ पर शायद कटिंग वटिंग चल रही है अभी स्टेडियम का, पिच का। यहाँ पर पिच का कुछ हालत सुधरा है पहले से, बट ग्राउंड के अगर मैं इस साइड आता हूँ जहाँ दर्शक लोग बैठते हैं, वहाँ का हालत पहले जैसा है, पहले से भी बदतर हो चुका है, ये देख सकते हैं। जर्जर स्थिति में है मोलिहक स्टेडियम, पटना का मोलिहक स्टेडियम। ये हमारे यूथ के लिए, ये हमारे जो आजकल के जो सोच रहे हैं खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए सोच रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये देखकर शायद मुझे नहीं लगता है कि उनका फ्यूचर ऐसे में बन सकता है। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, ये नज़ारा है मोलिहक स्टेडियम का, जहां कभी इंटरनेशनल मैचेस भी हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं यहां कभी इंटरनेशनल भी मैचेस हुआ था, ऐसा देखकर तो प्रतीत नहीं होता है कि यहां कभी इंटरनेशनल मैचेस हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे 3 एक दिवसीय मैचेस और एक वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप भी हुआ था यहां पे। और देख सकते हैं वर्ल्ड कप इंटरनेशनल मैचेस इसमें हुआ है और अभी इस प्रकार का हालत है, काफ़ी बुरा लगता है देखने को। यहाँ बिहार का एक इकलौता स्टेडियम जो यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हुआ है और अभी इस प्रकार का हालत है स्टेडियम का, तो काफ़ी बुरा लगता है देखने में। और इस स्टेडियम का बैठने का कैपेसिटी 25,000 तक है, लेकिन इसे सरकार द्वारा 45,000 कैपेसिटी बनाने का दिया गया है, अनुदान दिया गया है, लेकिन कब तक बनेगा, कब तक क्या होगा, ये तो आप लोग समझ सकते हैं बिहार का ये हालत है। और जहाँ ईशान किशन जैसे हमारे यहाँ के युवा के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, हमारे ईशान किशन यहाँ यहीं से निकले, यहाँ पर भी ईशान किशन बहुत मैचेस खेले हैं और इस प्रकार का हालत है यहाँ का, तो देखकर काफ़ी बुरा लगता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईशान किशन जी हमारे बिहार का नाम रोशन किए हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए उनको, इस स्टेडियम का, बिहार ये मोहल्ले के स्टेडियम का देना चाहिए, कुछ ध्यान देना चाहिए उनको। इंटरनेशनल मैचेस भी वो खेल रहे हैं, अच्छे खासे वो मुकाम पर पहुँच चुके हैं, लेकिन
इस स्टेडियम यहाँ के जन्मभूमि यहीं से वो उठे हैं, तो थोड़ा सा इस पर मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान देना चाहिए उनको और कुछ हद तक इनोग्रेट करना चाहिए, कुछ हद तक इसे थोड़ा और बनाना चाहिए, जैसे लगे कि हाँ बिहार का ये इकलौता स्टेडियम इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर हुआ था, पहले हुआ था, और कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि हाँ अब भी यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो और हमारा बिहार का नाम रोशन हो। ऐसे बिहार का नाम तो ऑलरेडी रोशन कर चुके हैं ईशान किशन जी ने, लेकिन और भी यहाँ पे अगर कुछ काम अगर करते हैं तो काफ़ी उनका और भी होम टाउन का नाम होगा, उनका नाम होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ध्यान देना चाहिए ईशान किशन जी को भी और हमारे यहाँ के जितने भी नेता और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ यहाँ पे ऐसा बनाएं कि हमारे जितने भी भविष्य हैं, क्रिकेट के जो भविष्य हैं, आने वाले भविष्य हैं, वो बहुत सारे ईशान किशन निकले हैं और उनके जैसे भी बहुत सारे यहाँ से प्लेयर निकले और हमारा बिहार का नाम रोशन हो। तो फ्रेंड्स, ये था मोरिहक स्टेडियम का नज़ारा, कुछ आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना आप लोग। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसे ही सही ब्लॉग डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे और एक कमेंट ज़रूर कर दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।